गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबडी, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम। देखो हमने दोस्तों, हमने रीजनिंग में 5 क्लासें हो चुकी हमारी कैलेंडर की, हमारी क्लास नंबर 6। उसमें हम कैलेंडर में हमने क्लास नंबर 5 में ये पढ़ा था कि सर ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस कैलेंडर, संदर्भ कैलेंडर के आधार पर क्वेश्चन, तो उनमें हमने केस नंबर 1 पढ़ लिया था। आज हम केस नंबर 2 पढ़ेंगे। केस नंबर 1 में हमने ये पढ़ा था सर, उसमें क्या होगा, केस नंबर 1 में महीने और दिन क्या होते हैं, समान होते हैं, जबकि वर्ष में क्या होता है, अंतर होता है। और हमने बात की सर वर्ष में अंतर होता है, उसमें विषम दिन कैसे याद करते हैं। सर विषम दिन याद करने के लिए हम क्या करेंगे सर, वर्ष में विषम दिन, वर्ष प्लस लीप वर्ष दोनों को जोड़कर उसमें कितने बार देंगे, 7 बार देंगे। उस 7 बार देने पर जो शेष में प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं सर, विषम दिन कहते हैं। आज हमारा जो केस नंबर 2 होगा, उस केस नंबर 2 में हम पढ़ेंगे सर दिन और मंथ दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे, जबकि वर्ष क्या होगा, समान होगा। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में हम पढ़ेंगे सर वर्ष क्या होगा, समान होगा, जबकि दिन व महीने क्या होगा, अंतर होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखो, यदि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखो, यदि 22 अप्रैल 2005 को सोमवार था, यदि 22 अप्रैल 2005 को सोमवार था तो 30 जनवरी 2005 को कौन सा वार होगा। यदि 22 अप्रैल 2005 को, यदि 22 अप्रैल 2005 को सोमवार था, यदि 22 अप्रैल 2005 को सोमवार था तो 30 जनवरी 2005 को कौन सा वार होगा। केस नंबर 2 में क्या होगा सर, वर्ष क्या होगा, समान होगा, दिन व महीने में क्या होगा, अंतर हो जाएगा। यहाँ पे 22, यहाँ पे कितना है 30, यहाँ पे क्या अप्रैल, यहाँ पे कितना है जनवरी, वर्ष क्या है, इनमें समान है। इस क्वेश्चन को हम सर कैसे सोल्व करेंगे सर, ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आए तो हम 3 या 4 सेकंड में इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, उस चीज को हम यहाँ पे समझेंगे। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए इसमें वर्ष क्या है, समान है, ठीक है, वर्ष समान है। अब आपको करना क्या है सर, जनवरी से कहां था जाना अपने को, अप्रैल तक, जनवरी से कहां तक जाना है, अप्रैल को, तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, अपने को कहां जाना है सर, जनवरी से अप्रैल तक जाना है। वर्ष क्या है, सेम है, अपने को जनवरी से कहां तक जाना है, अप्रैल से। अब देखो जनवरी में जो है ना, कहां पे है सर, 30 जनवरी है ना, तो जनवरी में आपको लेना है शेष दिन, ठीक है, जैसे जनवरी में कितनी 30 जनवरी है, 30 जनवरी में कितने रहते हैं 31 जनवरी, तो शेष दिन कितना आ गया सर 1। फरवरी में कितने दिन होते हैं सर 28, मार्च में 31, अप्रैल में जो दिए हुए दिन है उनको लेना अपने को, गिवन डेज, दिए हुए दिन, यहाँ पे दिए हुए दिन कितने हैं सर 22, तो अपने को क्या करना है सर, इनको टोटल करना है। तो देखो 28 × 1 = 29, 30 और 30 = 60, 60 = 82 हो गए सर, 82 हो गए। इसमें कितने बार देंगे सर, 7 बार देंगे, 7 बार क्यों देंगे सर, विषम दिन ज्ञात करने के लिए। जब भी दिन और महीने की बात हो उसमें विषम दिन ज्ञात करना हो सर, हम क्या करेंगे, विषम दिन बराबर शेष दिन प्लस दिए हुए दिन दोनों को जोड़कर उसमें कितने बार देंगे सर, 7 बार देंगे, 7 बार जो शेष प्राप्त होगा उसको हम क्या बोलेंगे सर, विषम दिन बोलेंगे।
देखो यहाँ पे कितनी बार बेसर सात को भाग सात एकम सात सात दुनी तो कितना बच गया सात एकम सात शेष पर एक सात एकम सात बारह कितना बच गया सर पांच शेष पर आया तो सम दिन कितना मेरे पास पांच। अब देखो हम क्वेश्चन में आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं सर देखो हम अप्रैल से कहाँ पे जा रहे हैं जनवरी में जा रहे हैं तो आपको क्या करना है सर सोमवार में कितना माइनस करना है पांच क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं माइनस पांच मैंने बताया था अगर माइनस पांच की जगह हम प्लस दो करें हम माइनस पांच से प्लस दो भी कर सकते हैं। देखो सोमवार प्लस दो कितना जाएगा बुधवार ये क्या आगा अपना आंसर होगा अगर सोमवार माइनस पांच करोगे तो भी क्या आएगा बुधवार आएगा क्यों सोमवार फिर रविवार फिर शनिवार शुक्रवार बृहस्पतिवार गुरुवार जिसको हम बृहस्पतिवार गुरुवार ही बोलते हैं उसके बाद कौन सा वार आएगा बुधवार क्या जाएगा अपना बुधवार आ जाएगा तो माइनस पांच से हम प्लस दो भी कर सकते हैं। चलो ठीक है इसको उतारो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 30 जुलाई 2009 को शनिवार था 30 जुलाई 2009 को शनिवार था तो 30 मई 2009 को कौन सा वार होगा यदि 30 जुलाई 2009 को शनिवार था यदि 30 जुलाई 2009 को शनिवार था यदि 30 जुलाई 2009 को शनिवार था तो 30 मई 2009 को कौन सा वार होगा यदि 30 जुलाई 2009 को शनिवार था तो 30 मई 2009 को कौन सा वार होगा क्वेश्चन नंबर दो केस नंबर सेकंड। दोस्तों इधर देखो देखो हमने बात की सर जब भी इसमें क्या होगा सर दिन और मंथ में क्या होगा अंतर और जबकि वर्ष क्या होंगे सेम होंगे। तो देखो यहाँ पे अपने कहां से कहां तक जाना सर मई से कहां पे जाना है जुलाई में मई जून और जुलाई अपने को शुरुआती दिन जो होंगे शुरुआती जो महीना उसको हम क्या लेना है शेष दिन लेना है शुरुआती महीना कौन सा सर मई मई का शेष दिन क्या होगा सर एक क्योंकि 21 मई होती है ना इसके बाद में 30 को कितना शेष आया एक ठीक है फिर जून 30 जुलाई के शेष कितने दिन हो गए सर 30 हो गए। अब हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट भी कर सकते हैं शॉर्ट कैसे कर सकते हैं सर 30 जुलाई है ना उस 30 जुलाई को हम सात बाद कितना प्राप्त होगा सर दो 30 में जून में कितना कितना जाएगा दो इसका कितना एक टोटल कितना होगा सर पांच तो पांच क्या आ मेरे पास शेष पर शेष पर क्या है विषम दिन है पांच क्या आ मेरे पास विषम दिन आ गए। अब देखो अपने को जुलाई से कहां पे जाना है सर मई में जाना है तो मई में जाएंगे तो क्या करेंगे सर पीछे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं तो माइनस के पांच। अब मैंने आपको बताया सर माइनस पांच से हम प्लस के पांच भी सॉरी माइनस पांच से हम प्लस दो कर सकते हैं तो शनिवार प्लस दो कितना हो गया सर सोमवार और शनिवार में माइनस पांच करेंगे तो भी सोमवार आएगा और सोमवार शनिवार में प्लस दो करेंगे तो भी क्या आएगा सोमवार ये अपना क्या आ गया आंसर हो गया। उतारो इसको
नंबर तीन, प्रश्न नंबर तीन अपना यह है कि सर 25 जनवरी 2004 को, 25 जनवरी 2004 को बुधवार था, 25 जनवरी 2004 को बुधवार था, तो 10 अप्रैल 2004 को कौन सा वार होगा? 25 जनवरी 2004 को, 25 जनवरी 2004 को, 25 जनवरी 2004 को बुधवार था, क्या था? बुधवार था, तो 10 अप्रैल 2004 को, 10 अप्रैल 2004 को कौन सा वार होगा? 10 अप्रैल 2004 को कौन सा वार होगा? अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम। देखो अपने को वर्ष क्या है, सेम है, अपने जनवरी से काटा जाएगा सर अप्रैल में, तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ठीक है। मैंने बताया सर तो शुरुआती जो महीना होगा तो उसके हमें क्या लेना है सर, शेष दिन लेने हैं। शुरुआती जो महीना है उसके हम क्या लेने हैं, शेष दिन लेने हैं। तो शेष दिन कितना आगे सर, 6, ठीक है। उसके बाद में फरवरी जो है, फरवरी में कितने दिन होंगे सर, 2004 है, 2004 क्या है, लीप वर्ष है, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं सर, 29 दिन होते हैं। मार्च में 31 दिन होते हैं सर। अप्रैल में क्या लेना है अपने को, तो दिए दिन है, दिए दिन कितने सर, 10, ठीक है। अब इसको हम शॉर्ट में करेंगे सर, क्या करेंगे सर, इसमें 7 का बाद 6, 7, 2, 28 कितना बच गया सर, 1, शेष फल कितना आया, 1, 31 का कितना आया सर, शेष फल 3, 7, 2, 28, 3, 31, 7, 1, 7, शेष फल कितना 10, 3, तो 6, 1, 7, 7, 3, 10, 3, 13, और कितने बार 13, 13 कितने बार देंगे सर, 7 का, 7 का वाक्य देंगे विषम दिन याद करने के लिए, 7 का वाक्य देंगे, शेष फल प्राप्त हो मेरे पास 6, ठीक है। क्या क्या आ गया मेरे पास, शेष फल। अब देखो सर हम आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं सर, हम आगे जा रहे हैं, इस बार आप क्या जनवरी से कहां पे जा रहे हैं, अप्रैल में, तो बुधवार में कितना जोड़ना अपने को, 6, बुधवार में कितना जोड़ना है अपने को, 6। मैंने बताया सर बुधवार में प्लस 6 की जगह माइनस 1 भी कर सकते हैं, माइनस 1 करेंगे तो बुधवार माइनस 1 कितना हो जाएगा सर, मंगलवार, अपने क्या आ गया, एक आंसर आ गया, बुधवार में प्लस 6 करोगे तो भी मंगलवार आएगा, बुधवार में माइनस 1 करोगे तो भी क्या आएगा, मंगलवार आएगा। तो आंसर इस क्वेश्चन को आंसर आ गया, और आई होप मैं जैसे कि मैं समझ रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, किसी कोई डाउट, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं फिर। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 अपने यह है, यदि 31 जनवरी, यदि 20 जनवरी 2006 को गुरुवार था, यदि 20 जनवरी 2006 को गुरुवार था, तो 25 जून 2006 को कौन सा वार होगा? यदि 20 जनवरी 2006 को गुरुवार था, तो 25 जून 2006 को कौन सा वार होगा? देखो अब इस क्वेश्चन का हम कैसे सॉल्व करेंगे,
इधर देखो अपने उसे कहां से जाना है, जनवरी से कहां पे जाना है अपने को, जून में तो सब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और कहां जाना अपने को सर जून तक। अब देखो जनवरी में क्या है अपने को शेष दिन, तो जनवरी के शेष दिन कितने बच गए सर 20 और प्लस 11 कितने हो गए 31, तो शेष कितने दिन आ गए 11। और फरवरी में देखो विषम दिन कितना आएगा सर जीरो, जीरो क्यों आएगा सर फरवरी में 28 में कितने बार देंगे 7 पर, 7 के बाद शेष पर क्या प्राप्त होगा, शेष पर क्या प्राप्त होगा जीरो ठीक है। उसके बाद मार्च, मार्च में कितना आएगा सर 3, 3 क्यों आएगा सर 31, मार्च में कितने आएगा 31, 31 में कितने बार देंगे 7 का, 7 का भाग देंगे तो कितना शेष प्राप्त होगा 3। अप्रैल में कितने दिन सर 30, अप्रैल में कितने दिन होते हैं 30, अप्रैल में 30 दिन होते हैं तो शेष पर कितना आएगा सर 2, शेष पर 2 क्यों आएगा क्योंकि 30 दिन है, उस 30 दिन में कितने बार देंगे हम 7 का, 7 का बार देंगे तो शेष पर कितना प्राप्त होगा सर 2, मई में 31 दिन, 31 दिन है तो शेष पर कितना प्राप्त होगा 3 क्योंकि 7 चौक 28 और 3 31। अब बात सर जून, जून में दिए हुए दिन लेने सर, दिए हुए दिन कितने हैं 25, अब 25 में कितने बार देंगे 7 के बाद 7 या 21 कितना बचा सर 4, हम 25 को कितना लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं ठीक है, इसको ऐसे करो सर 25। अब देखो 7 को भाग देंगे कितना शेष प्राप्त होगा सर 4, 0, 3, 2, 3 और ये 25 में कितने बार देंगे सर 7 के बाद शेष कितना प्राप्त होगा 4, 25 में कितने बार देंगे 7 का, 7 के बाद देखो शेष कितना प्राप्त होगा 4, टोटल कितना हो गया सर 4 3 7 7 2 9 9 3 12 12 4 17 कितने बार देंगे सर 7 का, 7 भाग में देंगे 7 का भाग इसलिए देंगे क्योंकि हमें क्या निकालना है विषम दिन निकालना है, देखो विषम दिन कितना आएगा मेरे पास कितना आएगा सर 3 विषम दिन आ गए, 7 2 14 14 3 17 शेष कितना आया तो मेरे पास 3 विषम दिन कितने आ गए सर 3। अब देखो हम आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं गुरुवार प्लस 3, गुरुवार प्लस 3, गुरुवार प्लस 3, गुरुवार में कितना जोड़ना है अपने को सर 3, गुरुवार शुक्रवार शनिवार और क्या जाएगा सर रविवार, तो आंसर क्या होगा अपने पास रविवार, क्या होगा रविवार, इस चीज का इस क्वेश्चन का आप आंसर उतारो। फिर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो स्टैंडर्ड बेस्ट क्वेश्चन होगा, स्टैंडर्ड कैलेंडर का क्वेश्चन होगा जिसमें हमें क्वेश्चन को निकालना है, उस चीज को सीखो इस क्वेश्चन को उतारने के बाद में। केस नंबर सेकंड का, केस नंबर सेकंड का अपना जो क्वेश्चन होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड कैलेंडर डेट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है 31 दिसंबर 2020 को कौन सा वार होगा, क्वेश्चन अपना आंसर 31 दिसंबर 2020 को कौन सा वार होगा। मैंने केस नंबर फर्स्ट में बताया था आपको कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए स्टैंडर्ड डेट का जो क्वेश्चन आया उसको हमें क्या करना है आज की डेट से क्या करना है कंपेयर करना है, तो देखो हम आज की डेट से क्या करेंगे इसको कंपेयर करेंगे, इधर देखो 31 दिसंबर 2020
2020 को कौन सा वार होगा, हमें क्या करना है सर, आज डेट से क्या करना है, कंपेयर करना है। आज डेट कितनी सर, 2 जून 2020, आज वार क्या है, मंगलवार, ठीक है। और हमें क्या करना सर, 31 दिसंबर 2020 को कौन सा वार होगा। देखो वर्ष दोनों में क्या है, सेम है, हमें क्या पे जाना सर, जून से क्या पे जाना, दिसंबर से, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। देखो जून में हमने क्या लेना है सर, शेष दिन लेना है। जून में शेष दिन कितने हो गए सर, 28, कितने आएंगे सर, 28 दिन आएंगे। फिर जून में कितने दिन होते हैं, 30, कितने शेष दिन कितना आ गया सर, 28। जुलाई में 31 दिन होते हैं, कितना आ जाएगा सर, 3। अगस्त में 31 दिन होते हैं तो कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। मैंने बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में सर, कितने बार देंगे, 7 का बार देंगे, ठीक है। सितंबर में कितना आ जाएगा सर, 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, अब दिसंबर में कितना दिन आएगा, 6 दिन, सॉरी गिवन दिन, कितने दिन दिए हुए हैं सर, 31 दिन। अगले क्वेश्चन में और शॉर्ट करेंगे सर, 28 कितने बार देंगे, 7 बार, 0 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 2 प्लस 1, इसमें कितने बार देंगे, 7 बार, 7 बार से कितना प्राप्त होगा, 3, टोटल कितना होगा सर, 3 2 5 5 3 8 8 2 10 3 13 13 3 16 16 में कितने बार देंगे सर, 7 बार, 7 बार से कितना प्राप्त होगा, 2, इस समथिंग कितना आ गया मेरे पास, 2। अब अगले क्वेश्चन में हम आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं सर, हम आगे जा रहे हैं, तो मंगलवार प्लस 2 प्लस 2 क्या आ गया सर, गुरुवार। तो हमारे इस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा, गुरुवार होगा। हमारी क्लास आज यहीं पे समाप्त होती है। जैसे कि मैं समझ रहा हूं आप सभी को समझ में आ रहा है, और प्यारे बच्चों दोस्तों लगातार इस चैनल पर आप बने रहे, आपको अच्छे से अच्छा बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। बाय बाय, टेक केयर, सभी को धन्यवाद।